तुम अगर नहीं खाओगे तो कितने ही एनिमल्स बच जाएंगे। तुम इतनी दुबली पतली हो, अब तुम्हें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? चलिए मैं बताती हूँ आपको अपनी कहानी। मेरा नाम है भावना और मैं बचपन से ही नॉनवेज फूड खाया करती थी। मुझे ना सिर्फ खाना बल्कि नॉनवेज फूड पकाना उससे भी ज़्यादा पसंद था। मैं अपनी मासी के साथ डिस्कस किया करती थी नॉनवेज रेसिपीज़ कि कैसे मैं अपनी कुकिंग को बेटर कर सकती हूँ। और जब भी हम बाहर जाया करते थे तो ऐसा लगता था कि वेज में पैसे क्यों ही खर्च करने हैं, बाहर जाके वेज क्यों ही खाना है। 1 जून 2021 को मैंने पीएमसी हिंदी ज्वाइन किया। 7 दिन तक वर्क फ्रॉम होम चला था, पर उस दौरान मैं खुद को कन्विंस ही नहीं कर पाई कि मैं ये जॉब कंटिन्यू करूं या नहीं। उसके दो रीजंस थे। एक तो ये स्पिरिचुअल चैनल था और मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं थी, और जब 7 दिन का वर्क फ्रॉम होम था, जूम के जरिए ध्यान करवाया करते थे, तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मुझे ध्यान करना कैसे है। 7 दिन बाद मैं ऑफिस आई फिजिकली, और यहाँ की जो वाइब्स थी उस वाइब ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। टीम बहुत छोटी थी पर ऑफिस में हर एक इंसान बहुत पॉजिटिव था। पत्री जी का कंटेंट सुनना शुरू किया और उनके काफ़ी सारे वीडियोस थे शाकाहार पे, तो उस वीडियोस को सुनकर एक थॉट मेरे अंदर क्रिएट हुआ। मैं हमेशा से एक एनिमल लवर थी, मेरे पास एक पेट डॉग भी था जिसका नाम शाइनी था। तो जब भी मैं पत्री जी के शाकाहार पे वीडियोस देखा करती थी तो वो पेन मैं एक फील कर पाती थी। जब भी मैं शाइनी को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं इसको पेन नहीं दे सकती कभी भी, तो मेरे पास कोई राइट ही नहीं है कि मैं किसी और एनिमल को पेन दूँ। तो वो कंपैशन मेरे अंदर शाइनी के थ्रू जागा जो पत्री सर के वीडियोज़ ने जगाया। तो ये वो समय था जब मैंने सोच लिया कि अब मुझे नॉनवेज कभी नहीं खाना है। अब ये वो समय था जब मुझे अपना ये डिसीजन अपनी फैमिली के सामने डिस्क्लोज करना था, और थोड़ा सा नर्वस इसलिए थी क्योंकि वो लोगों को एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। पहले मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताया था कि मैं मेरे माइंड में ऐसा थॉट भी चल रहा है। और जिस दिन मैंने ये फैसला अपना डिस्क्लोज करना था उस दिन भी इवन मेरे घर में नॉनवेज ही बना था। मेरी मम्मी मेरे लिए लेके आई नॉनवेज, और तब मैंने उन्हें बताया कि मम्मी मैंने डिसीजन लिया है कि मैं नॉनवेज नहीं खाने वाली हूँ। पहले तो मेरी फैमिली मेरे ऊपर हंसने लगी, उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा डिसीजन, क्योंकि एक हार्ड कोर नॉनवेज ईटर ये डिसीजन ले रहा है कि वो अब खाने ही नहीं वाला लाइफ में कभी भी, तो उन लोगों को बिलीव ही नहीं हुआ। मुझे मेरा भाई बोलने लग गया, तू वैसे इतनी पतली है, तू नॉनवेज नहीं खाएगी तो अब तू कहाँ जाएगी, मतलब तेरा और वेट लूज होता रहेगा। पर जब मैंने एक्चुअल में नहीं खाया, मैं अपने रूम में जाके बैठ गई, तब उन्हें बिलीव हुआ कि हाँ ये सच में सोच रही है कि ये नहीं खाएगी। पीएमसी हिंदी और पत्री जी का कंटेंट जिस तरह से मेरी लाइफ में बदलाव लेके आया है, मैं चाहती हूँ इस पृथ्वी के हर व्यक्ति के अंदर वो बदलाव आए और वह शाकाहार को अपनाए, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने स्वाद के लिए किसी अन्य प्राणी को कष्ट दें।